आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में किसानों की समस्या के समाधान का फॉर्मूला दे दिया है। पूरी तरीके से जंग वाला जो नजारा है वो देखा जा रहा है। किसानों और पुलिस ने सफेद झंडे लगाए हैं। किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच को दो दिनों के लिए टाल दिया है। पहाड़ काटने वाली मशीन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, गैस मास्क, आंदोलन के लिए किसानों की पूरी तैयारी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में किसानों की समस्या के समाधान का फॉर्मूला दे दिया है। एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसान आंदोलन दिल्ली कूच के लिए हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में किसानों और दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए किसानों की आय कैसे बढ़े इसके बारे में बताते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पूरी तरीके से जंग वाला जो नजारा है वो देखा जा रहा है। किसानों और पुलिस ने सफेद झंडे लगाए हैं। किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच को दो दिनों के लिए टाल दिया है। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों और पुलिस की तरफ से सफेद झंडे लगा दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि किसान आंदोलनकारी और हरियाणा पुलिस रात के लिए संघर्ष को विराम देने के लिए तैयार है। ये एक नई घटना है जो पहली बार किसी किसान आंदोलन में देखी जा रही है। इसके अलावा सवाल यह है कि किसानों के अगले कदम पर सरकार की नजर क्यों है। किसानों ने दिल्ली कूच को फिलहाल दो दिनों के लिए टाल दिया है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन गुरुवार को हरियाणा में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हाईवे जाम करता हुआ नजर आया। पहाड़ खोदने वाली मशीन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, गैस मास्क, आंदोलन के लिए किसानों की पूरी तैयारी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। किसानों ने इस बार बॉर्डर पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग्स को तोड़ने के लिए पोकलैंड मशीनें वहां लाकर खड़ी की हुई हैं। इन मशीनों का उपयोग पहाड़ों और सड़कों को खोदकर सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। किसानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और इंडस्ट्रियल गैस मास्क भी पहने हैं। इनके पास मेटल शील्ड, स्विमिंग गॉगल्स, चेस्ट और नी गार्ड्स भी हैं। किसानों ने पराली में मिर्च डालकर धुएं से हमला किया है। इस तरह की तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। ये इस आंदोलन की जो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। हरियाणा पुलिस का आरोप है कि किसानों ने पराली में मिर्च डालकर धुएं से पुलिस पर हमला किया है। इस हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने कहा कि कुछ किसानों ने तलवार और भाले से भी हमला किया। किसान नेताओं ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अगर मोदी सरकार उन्हें एमएसपी की गारंटी दे दे तो वो अपना आंदोलन तुरंत समाप्त कर देंगे। किसानों, पशुपालकों का कल्याण, विज्ञान से समाधान। उधर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली कूच के लिए अड़े किसानों को साधते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद देश में कई ब्रांड आए लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। अमूल एक पहचान बन गया है। अमूल का अर्थ है किसान सशक्तिकरण। पीएम ने किसानों से जुड़ी उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में भी बताया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस आंदोलन की वो ये कि खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी 22 साल के किसान की मौत हो गई थी, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। दरअसल खनौरी बॉर्डर पर 22 साल के किसान की मौत पर सियासत गर्माई हुई है। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने हरियाणा पुलिस और बीजेपी पर हमला बोल दिया। आरोप है कि हरियाणा पुलिस की फायरिंग में युवक की मौत हुई, जबकि हरियाणा पुलिस इससे इनकार कर रही है। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला भी सामने आया। गन्ना खरीद कीमत में 8% की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 10 सालों से किसान कल्याण के लिए काम किया है। 2014 से पहले किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था। उस समय गन्ने की कीमत सही नहीं मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है। पांचवें दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार है। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कहते हुए नजर आए कि 21 जनवरी को किसानों की दिल्ली कूच की शुरुआत के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ये बयान दे रहे हैं कि उनका कहना है कि वो किसानों के साथ पांचवें दौर की बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गरमाई सियासत को देखते हुए पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन 1 करोड़ के मुआवजे की मांग यहाँ पर सभी जो आंदोलनकारी हैं वो करते हुए नजर आए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि किसान कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार ने गन्ने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सरकार ने गन्ने का मौजूदा 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। ये मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। तो ये पूरा इस आंदोलन की जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर थी उसकी
झलक हमने आपको बताई है और क्या क्या इस पूरे आंदोलन में अब तक हुआ है ये भी आपको बताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP के सिफारिश पर सरकार 23 फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है, जिनमें 7 अनाज धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ हैं। इनमें 5 दलहन चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर भी शामिल है। वहीं 7 तिलहन और 4 नकदी कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट की फसलें हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि फल, सब्जियां या मवेशियों से मिलने वाले दूध जैसे उत्पाद इनमें शामिल नहीं है। इसके अलावा सरकार गेहूं के साथ साथ कपास जैसी 1-2 और फसलों को ही MSP के रेट पर किसानों से खरीदती है। अभी तक सरकार CACP के जरिए कुछ फसलों के MSP तय करती है। फसलों के समर्थन मूल्य को तय करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करने के लिए कमेटी है, जिनके अलग अलग सदस्य होते हैं और उसमें कुछ किसान भी शामिल होते हैं। फिर वो तय करते हैं कि किसी भी फसल का MSP क्या होगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि जिस MSP को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं उससे उनका भला ज्यादा नहीं होगा, बल्कि किसानों के लिए केंद्र राज्य सरकारों को एक जैसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसके जरिए किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के सहारे ना रहकर अधिकतम समर्थन मूल्य की ओर खुद को फोकस करें। वहीं अगर सरकार सभी MSP वाली फसलों को खरीदती है तो उसे 1 साल में करीब 17 लाख करोड़ के बजट की जरूरत होगी। क्या किसानों के लिए MSP फायदेमंद है? MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मिनिमम रेट होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। MSP की घोषणा सरकार की ओर से साल में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में बुआई से पहले की जाती है। इसके पीछे मकसद होता है कि किसानों को जिन फसलों पर MSP दी जा रही है उनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले और किसानों के अनाज कम से कम MSP रेट पर बिके ताकि उन्हें उपज का सही मूल्य मिल सके। लेकिन विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर MSP के जरिए सरकार किसानों को पैसा देती है तो आखिर में इसका सीधा असर देश की GDP ग्रोथ पर पड़ेगा। देश का किसान गरीब है, MSP देने पर उनकी आमदनी बढ़ेगी और फिर उनकी खरीदारी पावर बढ़ेगी तो देश का GDP भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। अभी सरकार सिर्फ 23 फसलों पर MSP देती है लेकिन असल में सिर्फ 3 फसल ही पर वो ठीक से लागू हो पाता है। अगर किसानों को सभी फसलों पर MSP दिया जाए तो वो गेहूं और चावल से दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट करेगा और ये देश की इकोनॉमी में बूस्टर डोज का काम करेगा। सरकार के सामने लेकिन क्या चुनौती है? किसान अपनी फसल खेत से राज्यों के अनाज मंडी में पहुंचते हैं। फसलों में गेहूं और चावल को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया MSP दर से खरीदती है। FCI किसानों से खरीद इन अनाजों को गरीबों के बीच सस्ती दर पर देती है, लेकिन FCI के पास अनाज का स्टॉक इसके बाद भी बचा ही रहता है। जानकार बताते हैं कि जितने अनाज का उत्पादन होता है सरकार उसका केवल 13-14% MSP के तौर पर खरीदती है, बाकी सारा अनाज खुले बाजार में बिकता है। सरकार द्वारा खरीदा गया ये 13-14% अनाज भी गोदामों में भरा हुआ है जिसे सरकार बांट नहीं पाती। सरकार ने कोविड के बाद मुफ्त अनाज की घोषणा की तो सब्सिडी का बिल करीब 3.30 करोड़ पहुंचा दिया, वो अनाज भी बट नहीं पाया। CACP की रिपोर्ट भी कहती है कि AFCI के गोदाम में गेहूं और चावल मिलाकर सरकार के पास 74.3 मिलियन टन का भंडारण है जो 41 मिलियन टन होना चाहिए, यानी भारत के पास जरूरत से 33.1 मिलियन टन ज्यादा गेहूं और चावल स्टोर है। शांता कुमारी की रिपोर्ट कहती है कि MSP का लाभ देश में सिर्फ 6% किसानों को मिलता है और दूसरा ये है कि FCI जिस PDS यानी कि जन वितरण प्रणाली के तहत MSP पर अनाज खरीद कर गरीबों को बांटती है वो दुनिया की सबसे महंगी खाद्य सुरक्षा प्रणाली में से एक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे आलोक सिन्हा के मुताबिक FCI को MSP के ऊपर मंडी से गेहूं खरीदने के लिए 14% की प्रोक्योरमेंट कास्ट यानी कि मंडी टैक्स, आड़त टैक्स, रूरल डेवलपमेंट सेस, पैकेजिंग, लेबर, स्टोरेज देना पड़ता है। फिर 12% उसे वितरित करने में खर्च करना पड़ता है जिसमें लेबर लोडिंग और अनलोडिंग शामिल है। इसके बाद 8% होल्डिंग कास्ट यानी कि रखने का खर्च आता है, यानी कि FCI MSP के ऊपर गेहूं खरीदने पर 34% ज्यादा खर्च करती है। मतलब अगर गेहूं की MSP 2000 रुपये प्रति क्विंटल है तो PDS में जनता को बांटने में सरकार को लगभग 2680 रुपये प्रति क्विंटल खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा FCI को 8% लो क्वालिटी फसल भी लेनी होती है, उसका नुकसान अलग से होता है। यानी MSP से ना तो देश के 82 करोड़ किसानों को लाभ मिल पाता है और ना ही एग्रीकल्चर इकोनॉमी मजबूत होती है और ना ही सरकार की कृषि नीति को कामयाबी मिल पाती है। अमेरिका ने भी इस तरह की सब्सिडी बंद की है। दुनिया के कई देशों में कृषि पर सब्सिडी मिल रही है
और समय समय पर उनमें बदलाव और बंद भी किया गया है। यहाँ चौंका देने वाला एक उदाहरण अमेरिका का है। 1977 में अमेरिका में जिमी कार्टर राष्ट्रपति थे तो उन्होंने तय किया था कि 6 महीने में दूध के दाम बढ़ेंगे, इससे दूध का उत्पादन ज्यादा होने लगेगा। तो सरकार ने दूध खरीदने का निर्णय लिया, इससे अमेरिका में दूध स्टोर की कमी हुई। तब अमेरिकी सरकार ने तय किया कि अब दूध नहीं, सरकार चीज खरीदेगी। उसके बाद चीज बनाने वाली कंपनी ने दूध खरीदना शुरू कर दिया। उस वक्त चीज को लेकर समस्या ये हो गई कि किसान खराब दूध भी बेच रहे थे, तो अमेरिकी सरकार ने चीज को टेस्ट करने वाले की भी भर्ती की। जल्दी सारे गोदाम चीज से भर गए। सरकार 120 फुटबॉल के मैदान के बराबर एक गोदाम भी बनवाया, लेकिन समस्या कम नहीं हुई। 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तब तक चीज खरीद के लिए टैक्स पेयर्स के $200 करोड़ यानी कि 14,875 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इतने भारी नुकसान के बाद रीगन ने इस योजना को बंद कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि इन तरीकों से, इन योजनाओं से लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है, इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। अब किसानों को किस बात का डर है? 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान की सरकार के प्रति नाराजगी और डिमांड और डर किस बात का है, इस बात को भी समझ लेना काफी जरूरी है। सवाल MSP का है और डर इसी का है। MSP इस आधार पर तय होती है कि किसानों को उनकी कास्ट का 50% रिटर्न मिल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई जगहों और मौकों पर किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदी जाती है। अभी तक इस पर कोई कानून नहीं है। ऐसे में किसान अपनी बात को कानूनी तरीके से कैसे और कहां रखे, किस कोर्ट में अपने हक की बात कहे? कोर्ट भी कानून के दायरे में रहकर ही किसानों की बात सुनेगा। जब कानून नहीं है, सिर्फ नियम है, तो सरकार चाहे तो MSP कभी भी रोक सकती है या फिर खत्म कर सकती है। इसी बात का डर किसानों के अंदर है। MSP से कितना लाभ, ये बात समझना काफी जरूरी है। सरकार हर फसल पर MSP नहीं देती है। सरकार की ओर से 24 फसलों पर MSP तय होती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्रोसेस डिपार्टमेंट की ओर से गन्ने की MSP तय की जाती है। ये एक डिपार्टमेंट के तौर पर सुझाव देता है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कानून के रूप में MSP तय कर सके। ये बस एक विभाग है जो सुझाव देता है, ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कानूनी रूप से MSP लागू कर सके। 10 लाख करोड़ का भार। वित्त वर्ष 2020 के लिए कुल MSP खरीद 2.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि कुल कृषि उपज का 6.25% और MSP के तहत उपज का लगभग 25% है। अगर MSP गारंटी कानून लाया जाता है तो सरकार पर कम से कम हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का ज्यादा भार पड़ेगा। खास बात तो ये है कि ये रकम सरकार के उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बराबर है जो कि देश के इंफ्रा पर खर्च होना है। ताजुब की बात तो ये है कि बीते 7 साल में सरकार ने औसतन 10 लाख करोड़ रुपए हर साल इंफ्रा पर खर्च नहीं किया। साल 2016 से 2013 के बीच इंफ्रा पर कुल खर्च 67 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि यूनिवर्सल MSP डिमांड का कोई इकोनॉमिक और फिक्स मतलब नहीं है। ये सरकार के खिलाफ एक राजनीति से प्रेरित तर्क है जिसने बीते 10 सालों में रिकॉर्ड वेलफेयर स्कीम का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि 10 लाख करोड़ आएगा कहां से? अगर किसानों का तर्क मान भी लिया जाए और इस बात पर भी सहमति हो जाए कि सरकार पूरा पैसा वहन करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा? क्या देश इंफ्रा और डिफेंस से सरकारी खर्च को कम करने के पक्ष में होगा? क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने के पक्ष में कोई है या होगा? ऐसे में समस्या कृषि आर्थिक नहीं है, पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उठाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि चुनावों को किसी तरीके से प्रभावित किया जा सके। सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का बजट देश की इकोनॉमी रफ्तार को पटरी से उतार सकता है, जो मौजूदा समय में दुनिया के किसी बड़े देश के मुकाबले सबसे तेज है। भारत @9 में इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।